हाय दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बासुंदी। उसके लिए मैंने यहाँ पर दूध लिया है। मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया है। आपको जितना चाहिए आप उतना ले सकते हो। यहाँ पर मैंने मदर डेयरी की दूध और यहाँ पर मैंने चीनी यानी कि शुगर लिए है। आपको जितना शक्कर पसंद है उतना आप ले सकते हो। यहाँ पर हमने कैश्यू नट्स यानी कि काजू लिया है और पिस्ता भी लिया है और केसर भी लिया है हमने। यहाँ पर हमने दूध पतीले में डाल लिया है। देखो, अभी हम इसे गाढ़ा करेंगे। इसके लिए हमें इसे गैस पर 25 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स तक ऐसे ही गैस पर गाढ़ा होने तक छोड़ना है। जब तक हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है तब तक हम काजू और पिस्ता को पीस लेंगे। आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हो या फिर ओखली में भी पीस सकते हो। यहाँ पर हम उसे पीस ले रहे हैं। पहले हम काजू को पीस लेंगे। ओह, मैं तो भूल गई, यहाँ पर हम इलायची भी यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर आधा लीटर दूध के लिए 4 इलायची यूज़ करे हैं। हमारा दूध थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, तब तक हम इसमें इलायची डाल देंगे। इसका इलायची का पूरा रस दूध में आ जाएगा, इसलिए हम अभी इसको डाल रहे हैं। देखो, हमने इसे अच्छे से पीस लिया, काजू को बारीक बारीक और पिस्ता को भी। देखो, दूध गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है। इसे हमें सिम में रखना है। थोड़ी देर होने के बाद हम चाहे तो इसे फुल में रख सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा हमें इसे घुमाते रहना है या फिर पूरा नीचे काला काला हो जाएगा, फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पर दूध हमारा थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो रहा है, इसलिए हम इसमें केसर डाल देंगे। आप केसर जितना चाहे उतना डाल सकते हो। यहाँ पर हमने केसर पूरा डाल चुका है। अब इसे हम अच्छे से घुमाएंगे। देखो, केसर का कितना अच्छा कलर आया। अभी हम इसमें चीनी डालेंगे। देखो, देखो चीनी भी पिघल गया और कलर भी अच्छा गया। अभी हम इसमें काजू डालेंगे। और अभी हम इसमें पिस्ता भी ऐड करने वाले हैं। ये हमने पिस्ता ऐड कर चुका है। अभी थोड़ी देर 1-2 मिनट इसे पकाएंगे और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। ऐसे ऐसे नहीं करना, पूरा नीचे से ऊपर तक ऐसे अच्छे से मिक्स करना है हमें। देखो, हमारा बासुंदी रेडी हो चुका है। हमने यहाँ पर थोड़ा ही केसर डाला है। आप और भी डालो, हमारे पास थोड़ा था इसलिए हमने थोड़ा डाला, इसलिए अच्छे से कलर नहीं आया है। यहाँ पर हमारा बासुंदी बनके रेडी हो चुका है। देखो, और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने पिस्ता बचा के रखा था वो डाल दूँगी डिज़ाइन के लिए। अभी हमें इसे 5 से लेके 4 मिनट तक फ्रिज में रखना है, फिर हम इसे ठंडा ठंडा अच्छे से खाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।